बाबर तो रन बनाए तो सवाल बाबर मैच जीतते तो सवाल बाबर रन ना बनाए तो सवाल बाबर मैच हारे तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है फाइनल वो खेले कौन पाकिस्तान एंड uh, श्रीलंका श्री और हम पहले राउंड में बाहर हो गए बाहर हो गए तारीफें हमारी हो रही है वहां पे oh. पर के रन नहीं आए क्लास प्लेयर हो सकता है कि रनों का सूखा बड़े मतलब तालाब आने वाला हो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है फिर वर्ल्ड कप खेलना हो सकता है वहां पर वो रनों की लड़ियां लगा दे लेकिन अब बाबर द कैप्टन बाबर द कैप्टन उन, उस टीम के अनडिस्प्यूटेड लीडर है वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है लेकिन बाबर आजम को अब पाकिस्तान टीम का लीडर बनना है कप्तान नहीं रहना है जितना भी मैं बड़ा उनका फैन हूं आपके पास बॉलिंग बहुत जबरदस्त है बल्कि इंडिया को अब सीखना होगा इंडिया को पाकिस्तान से भी सीखना है पाकिस्तान से सीखना है कि अटैकिंग फास्ट बोलर अटैकिंग स्पिनर्स के रन नहीं आए क्लास प्लेयर हो सकता है कि रनों का सूखा बड़े मतलब तालाब आने वाला हो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है फिर वर्ल्ड कप खेलना है, हो सकता है वहां पे वो रनों की लड़ियां लगा दे देखिए बड़ा कंसर्न होगा बाबर आजम द बैट्समैन अब बाबर द कैप्टन बाबर द कैप्टन उन, उस टीम के अनडिस्प्यूटेड लीडर है वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है लेकिन बाबर आजम को अब पाकिस्तान टीम का लीडर बनना है कप्तान नहीं रहना है कप्तानी करने वाले बहुत होते हैं कि टॉस हो गया तू बैटिंग कर ले तू बॉलिंग कर ले तू ग्यारह में है लीडर वो जो टीम को संभाल के चले बाबर के लिए डिजास्टर्स टूर्नामेंट एज बैट्समैन फक... बाबर जितना भी मैं बड़ा उनका फैन हूं कप्तान के तौर पर भी वो डिफेंसिव दिखे अब पाकिस्तान में उनकी बहुत तंकीद हो रही है मतलब क्रिटिसिज्म हो रहा है शोहे मलिक शोहेब अख्तर कई वहां के रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट सब कह रहे हैं कि जी हमारी टीम में यारी दोस्तियां चल रही हैं, ईगो चल रही है और मुझे लगता है कि बाबर को अब सामने आकर इस चीज को मिटाना होगा क्योंकि उनके मिडल ऑर्डर में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है रिजवान ऊपर से रन बनाते हैं लेकिन रिजवान गेंदे बहुत खा जाते हैं और जब आप इतनी गेंदे खा जाएंगे तो आपके जो रन होंगे जितने आप रन बनाते रहेंगे गेंदे खाते रहेंगे उतना फिर आपके मिडल ऑर्डर पर प्रेशर रहेगा हर मैच में करिश्मा नहीं होगा हर मैच में आकर आसिफ अली छक्के नहीं मारेंगे हर मैच में आकर नवाज उस तरह से बैटिंग नहीं करेंगे तो यह पाकिस्तान को देखना होगा एशिया कप आया एशिया कप खत्म हो गया एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का फाइनल हर कोई प्रिडिक्ट कर रहा था वो नहीं हुआ भारत फाइनल से पहले इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया लेकिन पाकिस्तान गया था फेवरेट्स इस फाइनल में पाकिस्तान के पास ऐसी टीम थी खासतौर से उनकी बोलिंग जो ये फाइनल जीत सकती थी अब पाकिस्तान की टीम आई टॉस भी आप जीत गए टॉस जीतने के बाद आपने टूर्नामेंट के के आंकड़े देखे कि यार टॉस जीत ना पहले बॉल डालना चाहिए लेकिन ये फाइनल है दोस्तों फाइनल में आमतौर पर आपको पहले बैटिंग करके बोर्ड पे 160-70 रन लगाने चाहिए क्यों क्योंकि आपके पास बॉलिंग अच्छी थी आप उस स्कोर को डिफेंड करने के लिए जाते पाकिस्तान ने लेकिन क्या किया श्रीलंका को का आप बैटिंग करने आए ये जानते अट्ठावन रनों पर पांच विकेट गिर चुकी थी अब यहां पर बाबर आजम की बजाय शायद कोई और कप्तान होता ही वुड हैव गॉन फॉर द किल जिस तरह की गेंदबाजी पाकिस्तान के पास है क्या वो इंतजार कर रहे थे कि अट्ठावन रन पांच विकेट नौवा ओवर चलो जी अब बीसवें ओवर तक जाते हैं हम ना तभी गेंदबाजी से गेंदबाजी कराएंगे आपके पास इतने अच्छे तेज गेंदबाज आपके पास इतने अच्छे स्पिनर्स है जो विकेट लेते हैं आप खत्म करते गेम लेकिन इफ्तिकार से बाबर ने आठवां फिर दसवा फिर बारवा ओवर करवाया और तब तक चिड़िया चुप गई थी खेत पाकिस्तान को यह देखना होगा कि इस तरह के बॉलिंग अटैक को अगर आप इस तरह की फील्डिंग दोगे जिस तरह की फील्डिंग और कैचिंग उनकी है तो भाई साहब बड़े बड़े मैचों में आपको दिक्कत आएगी आपके पास बॉलिंग बहुत जबरदस्त है बल्कि इंडिया को अब सीखना होगा कि हमारे पास भी इस तरह के फास्ट बोलर थे लेकिन भारत ने उनको टी में बाहर कर दिया अब मुझे नहीं पता कि इस टीम में ईगो है कि नहीं है लेकिन मैं पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनकी बातें सुन रहा हूं या देख रहा हूं तो लग ये रहा है कि कुछ प्लेयर्स टीम में हैं और कुछ ऐसे उनको लगता है कि डिजर्विंग है जो टीम से बाहर है जिनको अंदर जगह नहीं मिल रही और अगर ये एक बार बात फैलनी शुरू हो जाती है तो टीम में वो हारमनी नहीं आती इंडिया के लिए क्या इंडिया को पाकिस्तान से भी सीखना है पाकिस्तान से सीखना है कि अटैकिंग फास्ट बोलर अटैकिंग स्पिनर्स चाहिए टी ट्वेंटी में और भारत के पास है भी लेकिन भारत उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा बाबर को भेजने पे बाबर तो रन बनाए तो सवाल बाबर मैच जीतते तो सवाल बाबर <laughs> रन ना बनाए तो सवाल बाबर मैच हारे तो, तो... पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है मैं देख रहा था वहां पर सरफराज को लेकर भी काफी कुछ चल रहा है सरफराज को भी टीम में डाल दो ये एक चीज बड़ी अच्छी मैंने एक चीज देखी है वैसे जो मर्जी है ये देखो आपकी इंडियन क्रिकेट बहुत खुश होनी चाहिए आप भी फाइनल वो खेले कौन पाकिस्तान एंड uh, श्रीलंका श्री और हम पहले राउंड में बाहर हो गए दूसरे राउंड में बाहर बाहर हो गए तारीफें हमारी हो रही है वहां है कहा जा रहा इंडिया से मैं कह रहा हूं वो पाकिस्तानी